शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर शहर के बांग्लादेश परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। यह आयोजन नागपुर महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया था। इस वक्त मुख्य आयोजक नुसरत अली ने कहा कि गरीब लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इसलिए उन्होंने इस मौके पर इस शिविर का आयोजन किया है। जिस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य की दुर्दशा जो है वो एकदम चरमराई हुई है, मतलब चाहे कोविड का दौर हो या अभी हो, कोविड के बाद भी बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। और हमने ये सोचा कि हम एक ऐसी जगह पे हम कैंप लेंगे जो स्लम एरिया हो, और हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे हमने ये मेडिकल कैंप लिया। मैंने हमेशा देखा है मध्य नागपुर में मेडिकल कैंप्स होते हैं, लेकिन तांडापेट, बांग्लादेश यहाँ पे नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उस पैमाने पर नहीं होते जैसे होना चाहिए। इसके लिए मुझे यहाँ पे बांग्लादेश की टीम ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। एक हेडाऊ परिवार है जिन्होंने अपने स्कूल में मुझे ये कार्यक्रम लेने की अनुमति तो दी, साथ में अपना पूरा सहयोग किया। यहाँ के कॉरपोरेटर माजी नगर सेवक रमेश पुनेकर जी, हमारे मध्य नागपुर के हमारे रहने वाले महेश श्रीवास जी, शकील भाई, मोतीराम जी ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ के, गोपालपट्टनम जी, सभी लोग, मतलब यहाँ की पूरी टीम बांग्लादेश की, और स्पेशली मेरी महिलाओं की टीम, हरिचंद नाइक काका है, डाऊ काका है, शिरपुरकर काका, सभी लोगों ने मतलब एक मैसेज देने का काम किया कि हम सब एक है। और कांग्रेस की पहली विचारधारा जो ये है वो आम नागरिक के बारे में सोचती है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आगे आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। और कोविड के बाद जिस तरीके से देश की दुर्दशा इस केंद्र सरकार ने की, जिस तरीके से गलत तरीके से वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, उसके नतीजे लोगों को, जो हट्टे कट्टे लोग थे उनको स्ट्रोक आने लगे, हार्ट अटैक हुए, ब्रेन स्ट्रोक हुए, आँखों में प्रॉब्लम्स हुई, डायबिटिक हो गए हैं, तो हमने यही सोचा कि हम लोग इस इलाके में कैंप लेते जो कि स्लम इलाका है। हमने यहाँ पे MBBS, MD, MS डॉक्टर्स को हमने यहाँ पे कंसल्ट के लिए बुलाया, और हमने जो यहाँ पे मेडिसिन रखी है सर, वो मेडिसिन हमने सैंपल की मेडिसिन नहीं रखी, हमने उसको खुद परचेस करके लाया ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बस यही हमारा उद्देश्य है कि हम कुछ अच्छे से हमारे नागपुर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ अगर कर पाएँ, तो मेरी महिला कांग्रेस की पूरी टीम ने इसके लिए जी जान लगा दी। और इस शिविर में जिस प्रकार से लोग आए, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और यहाँ पर पूरे कांग्रेस कमेटी के जो लोगों ने आकर के समर्थन दिया इस शिविर को, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क आयोजित किया गया था, जिसका हजारों लोगों ने लुत्फ उठाया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ प्रकाश शुंकलवा की रिपोर्ट।